आज हम बनाएंगे ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही इजी, टेस्टी और हेल्दी भी है और बच्चों और बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शेफाली और स्वागत है आप सबका शेफाली की दावत में। आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्टाइल तड़के वाले कर्ड राइस। इसके लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो मैंने एक जगह रख लिए हैं। सबसे पहले इसमें हम लेंगे 2 कप बॉयल्ड राइस, इनको मैंने पूरा अच्छे से बॉयल कर लिया है। इसके बाद हम लेंगे 1.5 कप कर्ड, 4 से 5 कड़ी पत्ते जिनको मैंने बारीक काट लिया है, 1/2 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर, 1 टेबलस्पून चॉप कोरिएंडर लीव्स, 1 टीस्पून उड़द की दाल, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1/2 टीस्पून चना दाल, 1 चॉप ग्रीन चिली, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है, इसे स्किप नहीं करना, 1/2 टीस्पून वाइट सॉल्ट, 2 सूखी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हींग और 1/2 कप सीड्स ऑफ पॉमीग्रेनेट। तो अब हम लेंगे एक बाउल, इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले राइस और अब हम इसको हल्का हल्का मैश करेंगे। अब इसमें ऐड करूंगी कर्ड। अब कर्ड डालने के बाद वही प्रोसेस, अब हम इसे मिक्स करेंगे और साथ में मैश करेंगे इसी तरह स्पून की हेल्प से हल्का हल्का। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो आप दबा ही देंगे। तो इस तरह हल्का हल्का जब हम इनको मिक्स एंड मैश करते जाएंगे तो कर्ड और राइस जो हैं एक दूसरे में अच्छे से मिक्स होंगे। जितने अच्छे से हम इन्हें मिक्स करेंगे उतना ही इसका टेस्ट जो है एनहेंस होगा और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट एंड वाइट सॉल्ट और इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये जो कर्ड राइस है ना, ये ठंडे ही अच्छे लगते हैं, तो एक बार जब ये रेडी हो जाएंगे तो हम इसे फ्रिज में रखेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल जैसे दूध में खीर मिक्स होती है उसी तरह दही में ये बॉयल्ड राइस मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम तैयार करेंगे इसके लिए टेस्टी सा तड़का। उसके लिए मैं इस तड़के वाले पैन में 2 टीस्पून ऑयल लूँगी और अब इसमें ऐड करेंगे हींग। जब ये हींग थोड़ी सी भुन जाएगी तो इसमें मस्टर्ड सीड्स जब चटकने लगे, अब हम ऐड करेंगे इसमें कड़ी पत्ता जो कि मैंने बारीक काट लिया था। जब ये दो अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे दोनों दालें, पहले उड़द की दाल और फिर चने की दाल। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे ताकि दालें जो हैं एकदम से जले ना, ये अच्छे से भुने। इनको अच्छे से भुनने के लिए ज़रूरी है गैस की फ्लेम लो हो। तो लगभग 2 मिनट लगेंगे इन दालों को अच्छे से भुनने के लिए। आप चाहें तो इस स्टेज पर अदरक और हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं भुनने के लिए, बट हम उन्हें कर्ड राइस में कच्चा ही डालेंगे, उसका फ्लेवर एक अलग ही होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिल्ली ड्राई और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम याद रखिए लो ही रखनी है, जैसे ही तेज करेंगे जो हमने दालें मिक्स की हैं, कड़ी पत्ता है, वो एकदम से जल जाएगा। इस तरह से तड़के को लगातार हिलाते रहें। तो ये देखिए, ये अच्छे से भुन चुका है, दालों का कलर भी गोल्डन हो चुका है। अब करेंगे इसे कर्ड राइस में ऐड। तो ये मैंने डाल दिया है इसको कर्ड राइस में। अब मैं ऐड करूँगी इसमें जिंजर जो हमने ग्रेट किया हुआ था, ग्रीन चिली इसको भी हमने बारीक काट लिया था, हरा धनिया और अनार के दाने। ये मैं सारे नहीं डालूंगी, थोड़े से डाल के बाकी रख लूंगी जो कि गार्निशिंग में काम आएंगे और इनको देंगे अच्छा सा मिक्स। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, इसको देख के मुँह में पानी आ गया, बट अभी खाने से पहले इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब मैं इसे रखूंगी फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए 1 घंटे के लिए। तो लीजिए, 1 घंटे के बाद हमारे कर्ड राइस रेडी है, अब करते हैं इसे सर्व। तो लीजिए, हमने इसकी प्लेटिंग कर दी है, अब इसे ऊपर से गार्निश करने के लिए डालेंगे थोड़े से अनार के दाने। तो लीजिए, हमारे कर्ड राइस खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं।